नमस्कार, सत श्री अकाल। वी आर हियर टू प्रेजेंट महक मसाले रसोई शो विद 94.3 माय एफएम इन एसोसिएशन विद हॉलिडे इन एंड कलर लाउंज। मैनू बड़ी उम्मीद है कि आज तक असी जिन्ने एपिसोड्स दे विच जिन्नियां भी रेसिपीज थानू दिखाईयां तुसी जरूर अपनी फैमिली नू बना के खिलाईयां होणियां और बड़ी वाहवा लुट्टी होएगी। अज असी नवे एपिसोड दे विच नवे पार्टिसिपेंट नाल हाजिर हां। आइए मिलने आ उहनां नू। हेलो मैम। हेलो जी। थैंक यू सो मच मैनू इत्थे बुलाने वास्ते। मेरा नाम है तनवीर, मैं हां लॉरेंस रोड दी रहण वाली। मेरा एक 3 साल दा बेटा है ते मैनू कुकिंग दा बहुत ज्यादा शौक है। मैं कॉन्टेस्ट भी इत्थे वन कीता सी अमृतसर विच मलाइका किचन। अज तुसी थोड़ा जिहा अपनी रेसिपी बारे दसो कि तुसी की बनाओगे। अज मैं बना रही हां अचारी चिकन टिक्का मसाला। अरे वाह, फिर एक नवा ट्विस्ट नाल चिकन टिक्का मसाला अचारी फ्लेवर नाल। सब तो पहले सानू की चाहिए तनवीर जी? जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ओके, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर 2 टेबलस्पून कर्ड। ओके, 2 टेबलस्पून ऑफ कर्ड। नॉर्मल दही, हंग कर्ड, पानी कड़िया हुआ दही नहीं, नॉर्मल दही। फिर थोड़ा सा गरम मसाला। ओके, महक गरम मसाला जिहड़ा कि बहुत फ्लेवरसम है। 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला देना। ओके, रेड चिली पाउडर। ठीक, वो भी सिर्फ 1/2 टीस्पून बहुत होएगा। अगर तुहानू चाहिदा है बहुत ज्यादा स्पाइसी तो ज्यादा भी पा सकते हो। बिल्कुल जी, असी पा रहे हैं महक लाल मिर्च पाउडर। और की चाहिदा जी? और जीरा पाउडर। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी पा दे। अगेन तुसी सॉल्ट नू हमेशा स्प्रिंकल करके पाओ, एक जगह लंप ना बनाओ। फिर असी पावांगे थोड़ी जी क्रीम। ओके, क्रीम जिहड़ी है जदों भी असीं चिकन नूं मैरीनेट करने आ, उह चिकन नूं एक बड़ा सिल्की जिहा टेक्सचर दे दिंदी है। चिकन बहुत मुलायम हो जांदा है। इह भी सिर्फ 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून काफी होएगा। ओके, 1 टीस्पून ऑफ क्रीम। फिर असीं इहनूं थोड़ा जिहा मिक्स करांगे। ओके, फिर इहदे विच असीं पावांगे लास्ट विच पिकल। ओके, पिकल अंब दा अचार साडे हर पंजाबी घर दी शान है। तनवीर जी अज ओ पा रहे ने अंब दा अचार, गिटक कड़ के एनू चम्मच नाल हल्का जा स्क्रेप करो पल्प नू ते अपने मैरिनेट दे विच ओ पा दो। और पाना जी कि बस? नहीं, बहुत है क्योंकि असी ले रहे हैं 250 ग्राम्स। राइट, 250 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन। तनवीर जी सब तो पहले मैनूं ऐ दसो कि तुसी चिकन दे केड़े पीसेस यूज कर रहे हो? चिकन ब्रेस्ट यूज कर रहे हो? चिकन ब्रेस्ट दे पीसेस है। ओके, एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल, तुसी चिकन ब्रेस्ट यूज कर रहे हो, मैं तुहानूं फर्दर एडवाइस करांगी कि अग्गो तुसी भी कदी भी करी जदों बनानी है चिकन थाई या लेग दा बोनलेस लो, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट जेहड़ा वो थोड़ा ड्राई हुंदा है, जरा जिहा भी ओवर कुक हो जाए वो बड़ा सुक्का जिहा रबड़ी जिहा हो जाता है। ओके, थाई दे या लेग दे जेड़ा बोनलेस पीस हुंदे ने वो बड़े जूसी हुंदे ने। थैंक यू। फिर असी पावांगे इहदे विच चिकन। ओके, चिकन मैरिनेशन वास्ते ते लास्ट विच थोड़ा जिहा ऑयल ताकि वो बाइंड हो जाए चिकन। बिल्कुल ठीक, आई थिंक 1 टीस्पून ऑफ ऑयल इज इनफ। टीस्पून ऑफ ऑयल, क्योंकि असी नहीं चाहते कि साडी रेसिपी बहुत ज्यादा ऑयली हो जाए, क्योंकि करी पकान वास्ते भी सानू ऑयल चाहिदा होएगा। और क्रीम असी ऑलरेडी पा चुके हैं मैरिनेशन विच, बहुत हेवी भी हो जाएगा अगर असी ज्यादा ऑयल पा दांगे। बिल्कुल, चिकन जेड़ा है सानू एक बड़ा रिच सोर्स है प्रोटीन दा, दही है ते ओदे विचों सानू कैल्शियम भी मिल रही है। चिकन ते असी मैरिनेट कर लिया है, घट तो घट असी आधे घंटे वास्ते रखांगे, लेकिन जिन्ना ज्यादा टाइम तुसी रखो उन्ना ज्यादा वधिया। तुसी चाहो इनू ओवरनाइट फ्रिज दे विच भी, पूरी रात फ्रिज दे विच मैरिनेट करके रख सकते हो, उतने ही ज्यादा फ्लेवर्स वधिया ते इंटेंस आनगे। हुन की असी करांगे? हुन फिर असी इहदा मसाला प्रिपेयर कर लैंदे हां जिन्नी देर तक ओह मैरिनेट होएगा। बिल्कुल ठीक है,
सब तो पहले की करना जी, सब तो पहले ऐसी ऑयल पावांगे, सिर्फ हाफ टीस्पून ऑयल। हाफ टीस्पून मतलब पैन नू हल्की जी ग्रेजिंग देनी है कि जड़ा भी ऐसी मसाला पाइए वो चिपके ना। फिर पावांगे हाफ टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ओके, क्योंकि ऐसी ऑलरेडी मैरिनेशन विच पा चुकिया, इस करके हल्का जहा सिर्फ एक टेस्ट एक फ्लेवर देने वास्ते। बिल्कुल ठीक, हाफ अ टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब थोड़ा जा जिंजर गार्लिक पेस्ट पकना शुरू हो जाए, फिर असी पावांगे ग्रेटेड अनियन। ओके, ए किन्ने पाना है जी? ए तुसी 3-4 टेबलस्पून्स। ओके, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। अगर जैसा थानू थिक ग्रेवी चाहिए तो तुसी ज्यादा पा सकते हो अनियन। बिल्कुल ठीक, थोड़ा जहा पिंकिश तो थोड़ा जहा हल्का जहा ब्राउन हो जाए, फिर असी पावांगे टोमेटो प्यूरी। ए गल तनवीर जी ने ना बड़ी अच्छी दसी है कि जदो पिंकिश हो जाए, उस तो हल्का जहा लाइट ब्राउन हो जाए, असी एदे टोमेटो प्यूरी पा देंगे। उदा रीजन मैं थानू दसनी हां। रीजन ए हुंदा है कि प्याज जेड़ा साडा ज्यादा लाल हो जाए तो मॉइस्चर लूज कर जाता है और वह कड़क हो जाता, वह ग्रेवी टर्न नहीं करता। इस करके हल्का जहा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਟਮੇਟੋ ਪਿਊਰੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮੇਟੋ ਪਿਊਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਲੇਵਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਨ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਟਮੇਟੋ ਪਿਊਰੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟਮੇਟੋ ਪਿਊਰੇ। जब थोड़े जे बबल्स आना शुरू हो जाए ना, मतलब कि ग्रेवी रेडी हो जाएगी। राइट, बबल्स आना मतलब वो अपनी साइड्स चढ़ना, पैन या साइड्स चढ़ना शुरू हो जाए। हुन एदे विच असी पावांगे सारे मसाले। बिल्कुल, सब थोड़ा जा गरम मसाला, थोड़ा जा महकदा गरम मसाला पाउडर। ज्यादा नहीं पावांगे असी, क्योंकि असी अपने मैरिनेशन दे विच बहुत सारे मसाले पाए हुए हैं। फिर असी पावांगे थोड़ा जहा रेड चिली पाउडर। ओके, जस्ट अ लिटिल ऑफ रेड चिली पाउडर, बहुत तेज मसाला बच्चे भी नहीं खा पाएंगे और घर दे विच जे बुजुर्ग ने वो भी नहीं खा पाएंगे। हुण असी इहदे विच पावांगे जो असी मैरिनेट चिकन कीता होया है वो। राइट, असी सॉल्ट नहीं पावांगे क्योंकि ऑलरेडी इहदे विच है, ते लास्ट विच असी टेस्ट करके जो थोड़ा ज्यादा कट वो तक पा दा। बिल्कुल ठीक, उन्होंने बड़ी अच्छी गल कही है। जनरली बहुत लोग टेस्ट नहीं करते, इस तरह ही सर्व कर देंगे ने। असी मैरिनेटेड चिकन पा देंगे इहदे विच सारे मसाले एंड दही दे नाल। अरे वाह, इनू अराउंड 10 मिनट्स लग जाएंगे कुक होते हुए। बिल्कुल, साड़ी बड़ी एक रॉन्ग परसेप्शन है, बड़े लोग कहते हैं कि चिकन बनान लग्या सानू कुकर दे विच स्टीम करना चाहिए था। लेकिन वो चिकन इतना ओवर कुक्ड हो जाता है कि असी उस चिकन नू चबा ही नहीं पाते। चिकन जिहड़ा है बड़ा डेलीकेट प्रोटीन है, इनू कुकिंग टाइम बहुत घट चाहिए होता है। 8-10 मिनट बोनलेस चिकन और विद बोन्स, ऑन बोन्स जिहड़ा चिकन होता है, ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट। क्योंकि अगर इस तो ज्यादा पकावांगे, कई बार तुसी जेडे नॉनवेज खान वाले लोग ने उन्होंने नोटिस किया होगा, कोई पीसेस चिकन दे इस तरह होंदे ने जिन्होंने चबांदे रहो और वो खत्म नहीं होंदे, उन्होंने च्विंगम बन जाता है, वो चिकन ओवर कुक्ड होंदा है। सानू लगता है कि वो कच्चा है लेकिन वो चिकन ओवर कुक्ड होंदा है। असी चिकन नू जिन्ना घट पकाइए उतना ज्यादा जूसी रहता है। गैस नू थोड़ा जा स्लो कर लैंदे आं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾਟਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਜੋ ਚਿਕਨ ਦਾ ਜੋ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਪਕੇ ਨਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਅਰਾਊਂਡ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨਸ, 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਿਰ ਫਲੇਵਰ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸ਼।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਮ ਔਰ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੁੱਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਕਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਚਾਰੀ ਟਿੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਪਾਣਾ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂਗੋ ਪਿਕਲ ਦਾ। ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਪਿਕਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੈਂਗੀ ਫਲੇਵਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੀਮ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਟ ਪੇਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜੂ ਦੀ ਪੇਸਟ, ਬਦਾਮ ਦੀ ਪੇਸਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਮਸ ਔਰ ਕਾਜੂ ਪੇਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਘਿਓ। ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਿਪੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਨ ਖਾਓ, ਪਰੌਂਠੀ ਖਾਓ, ਫੁਲਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੁਮਾਲੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ, ਫਲੇਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਲਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਲ ਪੈਪਰ ਜੂਲੀਅਨਸ ਨਾਲ, ਲਾਲ, ਪੀਲੀ ਤੇ ਹਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗੇ। ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਪਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਅਚਾਰੀ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੋਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਸੌਟੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਚਿਕਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਪਕਾ ਕੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਔਰ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਨਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੈਮ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਮ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਈ ਪਲੇਜਰ, ਇਟਸ ਐਨ ਆਨਰ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਔਨ ਆਰ ਸ਼ੋਅ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਸੋ ਮਚ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਅਚਾਰੀ ਮਸਾਲੇ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤਨਵੀਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਸੋਈ ਸ਼ੋਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਫ ਰੈਸਿਪੀ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ youtube.com ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Thank you very much. See you in the next segment.
जितनी अच्छी खाने की महक उतना ही अच्छा उसका स्वाद है। माँ के हाथ का खाना तो हमेशा ही लजीज होता है। अरे नहीं बेटा, खाना आज मैंने नहीं बहू ने बनाया है। ये खाने का जादू है या तुम्हारे हाथों का? ये मेरे मसालों का जादू है, सुगंध और स्वाद वाले महक मसाले। Want to work abroad? Color Lounge provides you the opportunity to go abroad and work in hair and beauty industry. Do advanced diploma in hair, beauty, makeup, nail extension, self-grooming course. Pay just 55% of your course fee, 100% job assistance, earn Rs 20,000 per month, free seminar worth Rs 40,000. Color Lounge, Salon Spa and Academy for men and women. Lawrence Road, Amritsar. Call 5070783. वेलकम बैक। तुसी देख रहे हो सारा सेकंड सेगमेंट। वी आर हियर टू प्रेजेंट महक मसाले रसोई शो विद 94.3 माय एफएम इन एसोसिएशन विद हॉलिडे इन एंड कलर लाउंज। मेरे नाल ने शेफ पुनीत, जेडे की आज दोनों एक बड़ी स्पेशल डिश बना के दिखाएंगे। नमस्कार, आज हम बनाएंगे चिकन रोला, जो एक इटालियन डिश है और इसे सैलेड के तौर पे भी और मेन कोर्स के तौर पे भी खाया जा सकता है। ओके शेफ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਿਕਨ ਰੋਲਾਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਮੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਪੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਉਸ ਪੇ ਵੀ ਇਸਕੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨਕੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਮੇ ਚਿਕਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਾਨ ਵੈਜ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਸੇ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮ ਉਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਐਂਡ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੈਫ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾ ਕੀਮਾ, ਚਿਕਨ ਦਾ ਕੀਮਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚਿਕਨ ਮੀਨਸ ਕੀਮਾ ਲੇਂਗੇ ਹਮ, ਜਿਸ ਮੇ ਅਬ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਡਾਲੇਂਗੇ, ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਪੈਪਰ। ਓਕੇ, ਸਾਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾਓ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਕੇ ਪਾਓ, ਉਹ ਈਵਨਲੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀਂ ਡੰਪਲਿੰਗਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਸਕੇ। ਪੈਪਰ, ਪੈਪਰ ਕੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਔਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੀਲੀ, ਲਾਲ ਤੇ ਹਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲੀ ਔਰ ਲਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜਾਂ ਹਰਾ ਸਪਰਿੰਗ ਅਨੀਅਨ, ਪਿਆਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਪਿਸਤਾ ਡਾਲੇਂਗੇ ਇਸਮੇ ਚੌਕ ਕੀਆ ਹੁਆ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਥਾ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਪਿਸਤਾ ਇਸਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇ ਦੇਗਾ ਆਪਕੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਛੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੰਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਨ ਫੋਰਥ ਕੱਪ ਚੌਪ ਪਿਸਤਾਸ਼ਿਓਸ, ਪਿਸਤਾ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਗ ਡਾਲੇਂਗੇ ਹਮ ਇਸਮੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕੇ ਲਈ ਹਲਕਾ ਸਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਅੰਡਾ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਚੌਪ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਡਾਲੇਂਗੇ ਜਿਸੇ ਗਾਜਰ, ਕੈਬੇਜ, ਸਪਰਿੰਗ ਅਨੀਅਨ। ਓਕੇ, ਬੀਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਜਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਪਰਿੰਗ ਅਨੀਅਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ। ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਐਵੀ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ,
अब आप खुद ही देख सकते हैं इसमें कितनी सब्जियां हैं और कितना नट्स हैं, जिससे ये हेल्दी हो सकेगा। बिल्कुल शेफ, ए गल तुसी बिल्कुल सही कही है, क्योंकि आजकल दे बच्चियां नु सब्जी खान नु कहो तो कोई भी सब्जी खान वास्ते तैयार नहीं। तैयार। और इसमें हल्का सा हम लेमन का छिलके का जेस्ट डालेंगे। बिल्कुल। पंच जिसे कहते हैं। लेमन जेस्ट मैं तुहानू ग्रेट करना दसांगी कि एक किस तरह ग्रेट करना है। नींबू तुसी कोई भी ग्रेटर ले लो, हर घर दे विच बरीक ग्रेटर होंदा है, ए बेसिकली चीज ग्रेटर है, बरीक वाला ग्रेटर। और नींबू नु लेके उनू हल्का जा स्क्रेप करो, जित्थों तक तुहानू नीचे वाइट छिलका नजर नहीं आता। जिथे वाइट छिलका नजर आना शुरू हो गया, पोजीशन शिफ्ट कर दो, क्योंकि जेड़ा नींबू दा कड़वापन है वो थले जेड़ा छिलके ते थले वाइट पोर्शन है ओदे च हुंदा है। बेसिकली सानू चाहिदा है लेमन ऑयल, जेड़ा कि एदी स्किन दे विच हुंदा है, सानू ओदा फ्लेवर चाहिदा है। बिल्कुल थोड़ा जा स्क्रेप दे कि ए छिलका जेड़ा है वो आ जाए। और थोड़ा सा ऑरेंज का जूस, जो आजकल फ्रेश ऑरेंज जूस जिसे आजकल किनू अवेलेबल है सब चीजें, तो हल्का सा हम ऑरेंज जूस डालेंगे। शेफ आजकल की गल तुसी जान दियो, आजकल ते सारा साल ही हर चीज मिलती रहती है। बिल्कुल। और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। वाह, शेफ ने भरपूर फ्लेवर्स दे देते सानू, जेड़ा कि सानू कोई परेशानी ना होए। जे असी हुन बाजारों कोई भी मिंट्स दियां चीजां लेके खाने आ, सानू थोड़ा जा सोच आ जांदी है कि पता नहीं केड़े पीसेस पाए होंगे एदे विच। बस आपका ये मिक्सचर रेडी है, और इसे अब हम रोल बनाएंगे, जिसे एक सलामी के तौर पे रोल करेंगे। ओके। क्लिंग रैप लेंगे। क्लिंग फिल्म जेड़ी कि सानू हर जगह हर पासे अवेलेबल हुंदी है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਿਕਨ ਦੀ, ਤੇ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋ ਇਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਐਂਡ ਰਿਚ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਮਿਨਰਲਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਤਭੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇ ਕਹਾ ਥਾ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਅਬ ਹਮ ਰੋਲ ਬਣਾਏਂਗੇ, ਜਿਸੇ ਹਮ ਅਬ ਪੈਕ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੋਚ ਕਰੇਂਗੇ। देखो असी इस रेसिपी दे विच कोई भी ऑयल यूज नहीं कर रहे। जेड़े लोग डाइट करते ने उना नु चाहिदा हुंदा है वाइट प्रोटीन, जेड़ी कि सानू चिकन तो बहुत वधिया मिल जाती है। वाह शेफ, टाइटली रैप करके आप रोल करिए इसको। जिस तरह असी बेलना चलाने हैं उस तरह शेफ ने उनु चला देता कि वो गोल हो गया और टाइट भी हो गया। इसे हम अब टाइट कर देंगे, एक टॉफी की तरह जिसे कहते हैं कि रोल करते रहेंगे। बिल्कुल शेफ। और जे तुसी एनो थोड़े जिन्ने ध्यान नाल देखो ते ए बड़ा ही कलरफुल लग रहा है, बहुत सोना एदे च कलर्स आ रहे हैं। पिस्ताशियो दा पिस्ते दा डार्क कलर आ रहा है और स्प्रिंग अनियंस, कैप्सिकम, बेल पेपर सारे बड़े ही अच्छे कलर दे रहे हैं। इस तो बाद चेक एक सिल्वर फॉइल लेंगे हम, उसमें रैप करके। ओके, मतलब तुसी चाहते हो एनु डबल कोटिंग दी जाए कि पानी अंदर जाने का कोई भी चांस ना रह जाए, लूज ना हो। बिल्कुल ठीक। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੈਫ ਪੁਨੀਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਹਾਲੀਡੇ ਇਨ ਹੋਟਲ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਬੜਾ ਨੀਟ ਔਰ ਟਾਈਟ ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਇਲਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਹੈਲਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ
जिदे च एक भी ड्रॉप ऑयल का नहीं है और हेल्दी प्रोटीन्स ने कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं ने वाइट प्रोटीन है जिहड़ा कि डाइटरी फाइबर भी सानू देंदा है और लो इन कोलेस्ट्रॉल सब तो वड़ी गल क्योंकि आजकल हर कोई कॉन्शियस है हर कोई कहना है कि सानू अगे फर्दर जाके हार्ट डिजीजेस ना हो इस करके असि कोलेस्ट्रॉल घट तो घट लईए बिल्कुल हुन रेडी हो गया है साडा ओके परफेक्ट क्योंकि जदों तुसी इनू टच करदे हो जिहड़ा बन जांदा है ओह तुहानूं फर्म लगेगा जदों तुसी रख्या सी ओह थोड़ा सॉफ्ट सी बनन तो बाद ए एकदम फर्म हो जांदा जैसे हम इनू खोलदे हां थोड़ी जिही ध्यान नाल खोलो कि गर्म होएगा क्योंकि फॉइल सिल्वर फॉइल हमेशा जिहड़ा ओह हीट बहुत ले लैंदा है एक बड़ी मजेदार गल तुहानूं मैं दसांगी थोड़ा जल्दी बनाने वाला टिप जो भी असि सिल्वर फॉइल यूज करने हैं उदे दो साइड होंदिया ने एक थोड़ी डल होंदी है एक शाइनी होंदी है हमेशा शाइनी वाली साइड ऊपर टेम्परेचर वाली साइड पे रखो क्योंकि वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करती है और जल्दी चीज पकाती है वाह शेफ तुसी ते कठे ही क्लिंग रैप एंड फॉइल दोनों नु उतार दिता ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਫੈਕਟ ਰੁਲਾਟਸ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਸਲਾਈਸ ਪਤਲੇ ਸਲਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਤਲੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਟੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਪਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੇ ਕਲਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਸ਼ੈਫ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਿਸਤਾ ਐਂਡ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਐਂਡ ਬਨ ਗੋਭੀ सारे बड़े ब्यूटीफुल जे कलर्स दे रहे हैं बहुत सोना लग रहा है शेफ असी थोड़ा जिना एनो साइड ते शिफ्ट करके एनो बेल पेपर्स जे है कि साडे को लंबिया लंबिया कटिया पई हुई है ओदे नाल असी गार्निश कर देंगे और थोड़े जे टेस्ट वास्ते जेड़ा कि होर बहुत अच्छा टेस्ट आए थोड़ी मोटी कुटी हुई काली मिर्च ऐसे उसे स्प्रिंकल कर देंगे जिहड़ा कि कलर भी बड़ा अच्छा देगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा देगा टेस्ट करने तो पहले ऐसी इस डिश का एक चटपट रिकैप देख लिए जे तुहाडे कोलों कोई चीज मिस हुई है तो तुसी फटाफट इसे नोट कर सकते हो चिकन रुलाट बनाने वास्ते चिकन दे कीमे दे विच बारीक कटिया हुई सब्जियां गाजर लाल शिमला मिर्च हरी शिमला मिर्च बंद गोभी नींबू का छिलका नमक काली मिर्च स्वाद अनुसार पाके उनु अच्छी तरह मिक्स करांगे और चंगी तरह गुन लांगे क्लिंग रैप बिछा के ओदे विच थोड़ा जा मिक्सचर रख के उनु गोल रोल करांगे ओदे उत्ते डबल एल्युमिनियम फॉइल लगान तो बाद 20 तो 22 मिनट पानी च उबालांगे उस तो बाद कट के थोड़ा जा ठंडा करांगे स्लाइसेस इट कट के सर्व करांगे हुन असी एक शेफ दी बनाई गई स्पेशलिटी जेड़ी है उनु टेस्ट करांगे है ते बहुत गरम हाले वाह बहुत स्वाद बड़े सटल फ्लेवर्स नींबू दे जेस्ट दा नींबू दे छिलके दा बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है जिन्ने की सब्जियां नु भी बड़ा अच्छा टेस्ट दे देता है बहुत बढ़िया शेफ आई सैल्यूट यू फॉर योर स्पेशलिटी थैंक यू सो मच थैंक यू दर्शकों तुसी देखिए शेफ दी बहुत स्पेशल रेसिपी जेड़ी कि यकीनन तुहानू पसंद आई होगी और जेड़े साडे पार्टिसिपेंट्स ने ओ भी उना दी भी रेसिपी स्पेशल हुंदी है ओ भी तुहानू बहुत पसंद आई होगी ते इस तरह ही तुहाडे कोल भी कोई स्पेशल रेसिपी है ते तुसी साडे फेसबुक पेज ते एक सानू अपना कॉन्टैक्ट नंबर और रेसिपी दिओ और असीं जरूर तुहानू स्क्रीन ते आउण दा मौका देंगे और जे तुसी साडा कोई भी एपीसोड मिस कीता है ते तुसी youtube.com ते साडे सारे एपीसोड्स देख सकते हो हुन मिलते हैं दर्शकों अपने अगले एपिसोड दे विच उन्हीं देर तक सत श्री अकाल